टारगेट फिक्स और पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम। सेकंड भर में दुश्मन की सांसों पर मौत का ग्रहण लगाने वाला घातक हथियार। वतन के रखवालों के यही वो साथी हैं जो दुश्मनों पर मौत बनकर टूटते हैं। ये वो विध्वंसक हैं जो आतंक की फैक्ट्री पर कहर बनकर टूटते हैं। ये वो हथियार जो हाफिज के कई गुर्गों को जहन्नुम पहुंचा चुके हैं। एलओसी के पार हो या फिर कश्मीर घाटी, सुरक्षा बलों के ये ब्रह्मास्त्र दहशतगर्दी का चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। हिंद के दुश्मनों, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही होगा अंजाम। हाफिज मसूद के हर गुर्गे का ऐसे ही होगा काम तमाम। गुरिल्ला वॉर में ये दुश्मनों की मौत का ट्रेलर। बाजवा के बुजदिल फौज की गुस्ताखी का ये सॉलिड इलाज है। दिन हो या रात, आतंकी चाहे जिस मान में छिपे हो, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत की नींद सुला देने वाले विध्वंसक हर मोर्चे पर तैयार हैं। तीसरी आंख से दुश्मन त्राहिमाम कर रहे हैं, सरेंडर बोल रहे हैं। काले मंसूबे पालने वालों के लिए अंधेरा भी ढाल नहीं बन पाएगा। अब दुश्मन पर 24 घंटे प्रहार हो रहा है और सुरक्षा बलों के ये ब्रह्मास्त्र 18 घंटे लगातार बारूद उगल रहे हैं। और हिंदुस्तान के रणबांकुरे शौर्य, साहस और पराक्रम की गाथा लिख रहे हैं। आज हम दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने वाले शूरवीरों के उन साथियों के बारे में दिखाएंगे जिनके सहारे हमारे रणवीर हर पल मौत को मात देते हैं तो साथ ही दुश्मनों को खाक में मिला देते हैं। आज उन्हीं रक्षकों की बेमिसाल ताकत आपको दिखाएंगे जो दुश्मनों के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत का पैगाम लेकर आते हैं। हिंदुस्तान के रणबांकुरों की ताकत से दुनिया वाकिफ है। देश के जाबाजों ने हर मोर्चे पर अपना पराक्रम दिखाकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। आज हिंदुस्तान की सेना के पास ऐसे ऐसे विध्वंसक हैं जिनके अचूक वार से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। दिल्ली में चल रहे डिफेंस एक्सपो में कुछ ऐसे ही हथियारों की नुमाइश की गई जो देश के दुश्मनों के लिए काल की तरह है। रिपोर्ट आप देखिए। ये हैं हिंद के रणबांकुरे जिनकी डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज शामिल नहीं। हालात चाहे जितने भी मुश्किल भरे हों, ये जंगबाज कभी रुकते नहीं, कभी झुकते नहीं। आज हिंदुस्तान के दिलेर अपने दमखम और विध्वंसकों के साथ सीमा पार से आने वाले दुश्मनों को सबक सिखा रहे हैं। हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हो या फिर देश की सुरक्षा, हमारे तमाम जवान मुस्तैद रहते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडियन आर्मी की वो ताकत जिसके आधार पे हम सुरक्षित सो पाते हैं। तमाम ऐसे इक्विपमेंट आज हम आपको दिखाएंगे जो हमारी आर्मी के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। हिंदुस्तान की आन बान शान इंडियन आर्मी सरहद पर दुश्मनों के हर नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही है।
सीमा पार से आने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भारतीय सेना ने अपनी कमर कस ली है। आज देश की सुरक्षा तकनीक भी तेजी से बदल रही है ताकि देश के दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। भारतीय सेना के पास स्नाइपर राइफल मौजूद है जो कई किलोमीटर दूर बैठे आतंकियों की सांसें रोक सकती है। एक अकेली स्नाइपर राइफल ताकतवर दुश्मन पर भारी पड़ सकती है। इसके अचूक निशाना लगाने की ताकत की वजह से इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल कहा जाता है। रशिया में बनी स्नाइपर राइफल जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की ये स्नाइपर राइफल है और कितना सटीक वार कर सकती है। ये स्नाइपर राइफल है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और इसका लाइट वेट इसमें इसको बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाता है जब किसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। केवल 4.3 केजी की ये है और इसकी रेंज जो है वो करीब 1200 से 1300 मीटर की है, यानी 1200 से 1300 मीटर की दूरी पर अगर कोई आतंकी छुपा हुआ है और ख़ास तौर पे जंगलों में स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर छुपे हुए हैं और दूरबीन के ज़रिए हम उसको चेक करके उस पर फायर कर सकते हैं। भारत में अभी तक विदेशों से मंगाई गई राइफल ही स्नाइपर्स को दी जाती रही है, लेकिन बंगाल की ईशापुर आयुध फैक्ट्री ने दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल बना ली है। ईशापुर में जो राइफल बनाई गई है वो काफी हल्की और दूर तक मारक क्षमता वाली है। 7.62 mm की इस राइफल की कीमत 2.5 लाख रुपए है। इसका वजन 6.7 किलोग्राम है और 800 मीटर तक ये मार कर सकती है। भारत में बनने वाले देश की हाईटेक तकनीक के ऐसे हथियार मौजूद हैं जो हिंदुस्तान की आर्मी और सुरक्षा के जवानों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। ऐसा ही एक हथियार है इंसास राइफल। इंसास का पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है जिसे भारत में ही बनाया जाता है। ये राइफल पहली बार साल 1998 की गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई गई थी। इंसास राइफल को पहली बार साल 1999 के करगिल वार में इस्तेमाल किया गया था। इंसास लॉन्ग रेंज में ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही, लेकिन ये 700 मीटर तक दुश्मनों को मार गिराने की ताकत रखती है। इंसास एक ऐसी LMG है जो कि काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसकी खासियत ये है कि इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया है, यानी इंडिया में बनी है, मेक इन इंडिया है और यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 700 मीटर है। 700 मीटर की रेंज पर इसको फायर कर सकती है और किसी भी आतंकवादी को मार गिराने में ये सक्षम है और इसकी कैलिबर जो है 5.56 mm की है। आपको बताएं कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंडियन आर्मी में किया जा रहा है, भारतीय है, और इसको और हाईटेक किया जाए इस पर R&D पर लगातार काम जो है वो चल रहा है। इंसास को AK-203 से रिप्लेस किया जाएगा। अमेठी में राइफल AK-203 की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई है। सेना की पुरानी इंसास राइफलों को रिप्लेस करने के लिए भारत रूस के साथ मिलकर अमेठी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 राइफल बनाएगा। आज हिंद के जाबाज अपने पराक्रम के साथ साथ तकनीक का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां भविष्य के खतरे को देखते हुए भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत कर रहा है और साथ ही सेना के लिए मिनी टैंक के नाम से मशहूर मीडियम मशीन गन को और ताकतवर भी बनाया जा रहा है ताकि आसमान से लेकर जमीन तक में दुश्मनों पर घातक प्रहार किया जा सके। आने वाले वक्त में इंसान नहीं बल्कि मशीनें जंग लड़ा करेंगी। रोबोट ही युद्ध में हार और जीत के फैसले को मिटाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी जितनी ताकतवर हो युद्ध के मैदान में उतनी ही पकड़ उसकी मजबूत हो। दुश्मन जिस भी इलाके में छिपा होगा मशीन उसे ढूंढ लेगी। अगर दुश्मन ने रास्ते में बारूद का जखीरा छिपा रखा होगा तो मशीन उसे ढूंढकर डिफ्यूज भी कर देगी। भारतीय सेना के DRDO ने रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल बनाया है जो जमीन के अंदर लगाए बारूद को भी ढूंढ लेता है। ये है ROV जो कि रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल है। इसको इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये वो तकनीक है जिसके जरिए अब
तमाम जो कि आईडीज हैं उनको डिफ्यूज किया जा सकता है और उन्हें निकाला जा सकता है। नक्सल एरियाज में अगर हम देखें तो नक्सल एरिया में ज़्यादातर इस तरह के आईडीज ब्लास्ट होते रहे, जिसमें हमारे तमाम जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जाने गंवाई हैं, शहीद हुए हैं। लेकिन ये जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल है वो न सिर्फ जवानों को बचाता है बल्कि उनके मंसूबों को, जो कि ना गलत मंसूबे हैं, उनको भी ख़त्म करता है। आपको बता दें कि इसका जो रेंज है, ख़ासतौर पर ये जो 4 कैमरे इसमें जो हैं वो इनबिल्ट किए गए हैं और रिमोट ऑपरेटेड है पूरा ये। दूर से थोड़ा सा इसको रिमोट के ज़रिए इसको ऑपरेट किया जाता है और जहां पर भी आशंका होती है कि आईडीज छुपी हो सकती हैं वहां पर इसको डिटेक्ट करके ख़त्म किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं आरओवी, जिसका इस्तेमाल अब भारतीय आर्मी जो है, इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है। देश के भीतर के दुश्मनों से निपटने के लिए जहां आरओवी को डेवलप किया जा रहा है, वहीं सरहद पार के दुश्मनों से निपटने के लिए ऐसे विध्वंसकों को तैनात किया गया है जो बिना रुके, बिना थके लगातार 18 घंटे तक गोली बरसा सकते हैं। यह है MMG यानी मीडियम मशीन गन। भारतीय सेना के पास मेक इन इंडिया से बनी 7.62 मीडियम मशीन गन है जो बेहद घातक प्रहार करती है। भारतीय थल सेना इस MMG का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। ये 1 मिनट में 650 से 1000 राउंड प्रति मिनट फायर करने की ताकत रखती है। आतंकियों से लोहा लेना हो या फिर पाकिस्तान से, जी हाँ, हमारे हथियार अब तैयार हैं पूरी तरीके से उनका मुकाबला करने के लिए। ये जो आप सामने हथियार देख रहे हैं, दरअसल ये है मशीन गन MAG 7.62 mm। दीपक, क्या खासियत है इसमें? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक नॉन स्टॉप गन है। ये कंटिन्यूस लगभग 18 घंटे चल सकती है और इससे ज़्यादा भी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 बैरल्स होती हैं। एक बैरल जब नॉन स्टॉप चलते चलते रेड हो जाती है, देन वी कैन चेंज इट, हम इसको बदल देते हैं। क्यों नॉन स्टॉप चलती है? क्योंकि ये बेल्ट फीट है, इसमें बेल्ट लगी हुई है, कंटिन्यूस आप बेल्ट बढ़ाते जाएँ और ये चलती जाएगी। तीसरी बात इसमें ये है कि 1800 मीटर इसकी रेंज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि अगर ये हमारी 1800 मीटर का तक का ये अचूक वार कर सकती है। अगर बुलेट कितना, एक सेकंड में कितने आप बता रहे थे? 1000 बुलेट पर मिनट, यानी कि एक सेकंड में 18 से 20 बुलेट्स एक सेकंड में निकालती है। ये एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल जहाज से लेकर टैंक और हेलीकॉप्टर तक में किया जा रहा है, यानी पानी से लेकर आसमान तक से ये दुश्मन के लिए मौत लेकर आती है, या यूं कहें कि ये मिनी टैंक की तरह है। एक सेकंड में 18 से 20 बुलेट ये निकाल सकती है और 2 बैरल है इसमें, आप देख सकते हैं, एक बैरल ये है, एक बैरल नीचे है। अगर ये चलते चलते बंद हो जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम है या इसको ठंडा रखना है तो हम नीचे वाले का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे, राइट? ना, इसमें क्या होता है कि ये चेंज करते हैं, इसको दूसरी बैरल अलग से लगाते हैं, ये सिलेंडर है इसका। अच्छा जी, सिलेंडर है, मतलब ये बैरल को अलग कर देते हैं, दूसरे बैरल को हम लगा देते हैं ताकि हम आगे ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। एक मिनट में 20 बुलेट फायर कर सकती है, 1800 मीटर इसकी रेंज है, 1800 मीटर तक ये अचूक वार कर पाएगी। कहां कहां पे इस्तेमाल हो रहा है? इसका इस्तेमाल शिप्स में हो रहा है, टैंक्स में हो रहा है, और प्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में, और ग्राउंड फ्लोर पे भी ये काम करती है, शिप में भी काम करती है, टैंक्स में भी काम करती है, जहां भी हम इसकी रिक्वायरमेंट, ये मिनी टैंक बोल सकते हैं हम इसको, मिनी टैंक की संख्या, टैंक, जी 100%। और अगर ये बॉर्डर पे लगी है तो ये 2 किलोमीटर अंदर अगर कोई हमारा दुश्मन है तो हम उसको भी गिरा सकते हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक में इस तरह की बुलेट्स जो है, इस तरह की जो मशीन गन्स हैं, बहुत कारगर साबित होंगी। 2 किलोमीटर तक तो हमारे फौजियों को जाने की जरूरत ही नहीं है, ये एनफ है, और एक पर्सन एनफ है इसको चलाने के लिए, और उनके हजारों सैनिक किनारे कर सकते। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के अफसरों की मौजूदगी में युद्धपोत से इसी मशीन गन से कई राउंड फायर की थी। भारतीय थल सेना के बाद नौसेना ने भी कानपुर की लघु शस्त्र निर्माण यानी SAF में बनने वाली मशीन गन का बड़ा ऑर्डर दिया है। इस गन को समंदर का सिकंदर कहे जाने वाले INS विक्रमादित्य युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
भारत ने सरहद पर ऐसा तगड़ा सर्विलांस सिस्टम तैनात कर रखा है जिससे दुश्मन के लिए सरहद के पास फटकना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट आप देखें। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पार से दहशतगर्दों को कश्मीर भेजने के लिए वो लगातार बिना उकसावे के फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश हर बार नाकाम हो रही है क्योंकि दहशतगर्दों की हर साजिश पर तीसरी निगाहें नजर रखे हुए हैं, जो पलक तक नहीं झपकाती। रात में भी वो दुश्मनों को पहचान लेती हैं और फिर आगे का काम हिंद के रणबांकुरे संभाल लेते हैं। थर्मल इमेजेस वाले जो पिक्चर्स हैं, जहां पर कोई मूवमेंट अगर होता है तो उसको कैसे हम कैप्चर करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको दिखाएं कि ये जो दूरबीन है, खासतौर पे जो थर्मल इमेजेस है, वो कैप्चर करने में या नाइट विजन, रात में अगर आप नहीं देख पाते तो तीसरी आँख का इस्तेमाल जो है, तीसरी आँख की भूमिका, अब ये इस तरह की मशीनें जो है वो इस्तेमाल होने लगी हैं इंडियन आर्मी। भारतीय सेना दुश्मन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए सर्विलांस रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 18 किलोमीटर दूर तक की हर हलचल पर नजर रखे हुए है। थर्मल कैमरे में कैद इन तस्वीरों को भारतीय सेना ने जारी किया था। तस्वीरों में दिखा था कि कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्तों से आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में थे। ये तस्वीर तस्दीक करती है कि अंधेरी रात में पाकिस्तान में कितनी गहरी साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तानी फौज के इशारे पर आतंकियों के ऐसे ही हथकंडों पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी फिदायिन दस्ते ने भारत में घुसपैठ के लिए न्यू मून नाइट्स यानी अमावस की रात को चुना। सीमा को पार करने के लिए देर रात 2 से 5 बजे तक के समय को चुना गया ताकि सुरक्षा बलों के नाइट विजन डिवाइस के रडार से बच सकें। दरअसल रात के वक्त सरहद पर नजर रखने के लिए नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमावस की आधी रात के बाद घुसपैठ के पीछे की वजह यह है कि नाइट विजन डिवाइस इस दौरान पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। लेकिन घुसपैठिए नाइट विजन डिवाइस से भले ही बच जाएं, लेकिन भारतीय जवानों की गोलियों से बचना नामुमकिन है। ना सिर्फ हथियार बल्कि थर्मल इमेजेस और जो मूवमेंट, क्योंकि आज चैलेंजेस इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि तकनीक जिस तरह से बढ़ रही है उसके सामने हमें चुनौतियां स्वीकार करनी होंगी, और चुनौतियों को स्वीकार करने के साथ में हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पास जो तकनीक है वो लेटेस्ट है या नहीं है, क्योंकि आतंकवादी हो या फिर देश के दुश्मन हो, वो आज हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें भी उसकी तरह तैयार रहना होगा। संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।